की बड़ी खबर आ रही है, जहां लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, जहां बीजेपी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई। बड़ी खबर आ रही है जहां लोकसभा प्रत्याशियों के नाम की पहली सूची जारी हो चुकी है। बीजेपी ने जारी की लोकसभा प्रत्याशियों की पहली सूची। बड़ी खबर आपको बता दें, पहली सूची में 28 महिला प्रत्याशी है। दिल्ली के 5 सीटों के लिए भी उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। बड़ी खबर आपको बता दें, प्रदीप खंडेलवाल को चांदनी चौक से लड़ेंगे चुनाव। वही मनोज तिवारी उत्तर पूर्व दिल्ली से लड़ेंगे चुनाव। बड़ी खबर आपको बता दें, बांसुरी स्वराज को सेंट्रल दिल्ली से चुनाव लड़वाया जाएगा। कमलकीत सहरावत को पश्चिम दिल्ली से भी मिली टिकट। वही रामवीर बिधूड़ी को छिड़ी दिल्ली सीट से मिली टिकट। दिल्ली की 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। प्रवीण खंडेलवाल को चांदनी चौक से चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। मनोज तिवारी को भी उत्तर पूर्वी दिल्ली से भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। बांसुरी स्वराज को सेंट्रल दिल्ली से भी चुनाव का मौका मिलेगा। कमलकीत सहरावत को पश्चिमी दिल्ली से भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। वही रामवीर बिधूड़ी को दक्षिणी दिल्ली से भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। दिल्ली की 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। बता दें आपको बड़ी खबर, प्रवीण खंडेलवाल लड़ेंगे चुनाव। मनोज तिवारी को उत्तर पूर्वी दिल्ली से भी चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा। बांसुरी स्वराज को सेंट्रल दिल्ली से प्रत्याशी चुना गया।